ये जितने भी रिकरेंस रिलेशन लिखे हैं जो लिजेंडर पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लिजेंडर पॉलिनोमियल, ये लिजेंडर पॉलिनोमियल के ऊपर बेस है जो भी है, ये पांच रिलेशन है जिनको रिकरेंस रिलेशन बोलता है, इनके हेल्प से हमने इन प्रॉब्लम को सोल्व करना है जो 3.2 में दे रखी है उसने। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में आपसे ये प्रूव करने के लिए पूछ रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएंगे। लेफ्ट साइड है 1 - x² पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू n+1, कॉमन आएगा दो टर्म के अंदर जो राइट साइड में है, एक है एक्स पी एन एक्स, दूसरी है पी एन प्लस वन। ये तो इसको प्रूव करेंगे हम फर्स्ट और लास्ट वाले के हेल्प से। तो आप क्या करो, जो रिकरेंस रिलेशन ऊपर लिखे हुए हैं फर्स्ट और फिफ्थ, उनको लिख लो एज वी नो बाय रिकरेंस रिलेशन। फर्स्ट लिख दो, इक्वेशन वन नाम दे दो, सेकंड फिफ्थ लिख दो, इक्वेशन टू नाम दे दो। मैं कह रहा हूं कि इनको आपने ऐड करना है, ऐड करना है इनके अंदर। देखो एक चीज और सुनो ध्यान से कि इसके अंदर कौन सा रिलेशन लगेगा, ये तो आपने बार बार प्रैक्टिस करने पे ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर एन आना चाहिए, एन पी एन डैश भी होना चाहिए, पी एन और पी एन प्लस वन, पी एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए अगर है भी तो। इसके अंदर उसने क्या कहा है कि जो आपका फर्स्ट रिलेशन और फिफ्थ रिलेशन है उन दोनों को ऐड करना है आपने। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एज वी नो बाय रिकरेंस रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन लिख दो और फिफ्थ रिलेशन लिख दो, और फिर लिखो ऐड करना है उन दोनों को आपने। तो बताओ फर्स्ट और फिफ्थ को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। तो लेफ्ट साइड लिख देता हूं मैं एन प्लस वन पी एन प्लस वन, ठीक है, प्लस एन पी एन माइनस वन। ये तो थी लेफ्ट साइड फर्स्ट वाले की, फिफ्थ वाले की लेफ्ट साइड को भी इधर ऐड करना है आपने, लेफ्ट में ही, ये लेफ्ट है फिफ्थ की, इक्वल टू ये जो है राइट साइड है टू एन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, टू एन एक्स पी एन एक्स और प्लस एक्स पी एन एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या आया एन पी एन माइनस वन और माइनस एन एक्स पी एन एक्स, ठीक है। अब आप देखो कि ये टर्म लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड से कैंसिल होगी, पी एन माइनस वन वाली होगी ना कैंसिल, क्यों कैंसिल होगी, दोनों साइड सेम साइन है इसीलिए कैंसिल होगी ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो बचा है उसको सिंपलीफाई कर लो और जो रिजल्ट है प्रूव करना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे लेकिन बाद में साइड को। आपने क्या करना है, जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड के अंदर केवल जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो बचनी चाहिए, इसका मीनिंग इसको तो आपने लेफ्ट में रखना है, इस टर्म को राइट में लेके जाना है। तो इसको लिखो 1 - x² पी एन डैश एक्स, लेफ्ट वाली तो लेफ्ट में रखी लेकिन जो एक लेफ्ट वाली टर्म थी उसको राइट में ले जाना, ठीक है जी। इसको राइट में ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन उससे पहले राइट वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। आप मेरे को बताओ कि इन तीनों टर्म में, जैसे ये तीन टर्म नहीं है राइट साइड में, इनको एडजस्ट करो, जैसे 2nx pnx है, -nx pnx है, तो ये क्या बचेगा, nx pnx बचेगा ना, क्या बचेगा nx pnx बचेगा, केवल यहां लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इतना बचेगा, कहने का मीनिंग मेरा ये है। अब इनमें कॉमन क्या है, आप देख सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स पी एन एक्स है, तो क्या बचेगा एन प्लस वन, क्या बचेगा एन प्लस वन। तो राइट वाली जो टर्म थी वो राइट में ही लिखी है सिंपलीफाई करके। अब जो ये राइट लेफ्ट वाली टर्म थी इसको मैं राइट में लेके जा रहा हूं, तो ये माइनस की हो जाएगी क्योंकि इधर प्लस की, कुछ नहीं करना। अब आपने राइट साइड में से एन प्लस वन को कॉमन लेना है और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जो प्रूव करना है आपने, ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है जी। देखो लेफ्ट साइड यही है, राइट साइड में एन प्लस वन कॉमन ले लेना, एक्स पी एन एक्स माइनस पी एन प्लस वन यही बचेगा, इसमें एन प्लस वन कॉमन लेके
ये बचेगा एक्स पी एन एक्स, इसी को मैं कह रहा हूँ पी एन प्लस वन, ये बच गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में आपने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड दे रखी है, सो दैट 2n+1 इंटू 1 - x² प्रोडक्ट है ये Pn-x, ये आपने इक्वल प्रूव करना है n(n+1)। ये कॉमन आएगा दो टर्म में, एक तो है Pn-1 वाली, एक तो है Pn-1 और दूसरी है Pn+1। कई बार डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता तो उसमें कई बार एन को चेंज करना पड़ता है, एन की जगह n+1 पुट करना है या n-1 इस टाइप से। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि जब इसको प्रूव करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो कौन कौन से रिकरेंस रिलेशन की हेल्प लेंगे। एक तो लास्ट वाला है वो, फर्स्ट वाला वापिस वही। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला की हेल्प लेंगे, चल रहा है तो लिख देता हूं मैं एज बाय रिकरेंस रिलेशन, एज बाय रिकरेंस रिलेशन। फर्स्ट वाला रिलेशन लिखा है उसने, तो n+1 Pn+1, फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ ये, प्लस n Pn-1x इज इक्वल टू 2n+1 x Pn-x, ये तो है फर्स्ट वाला रिकरेंस रिलेशन। और एक लिख रहे हैं फिफ्थ वाला 1 - x² Pn-x, क्योंकि देखो ना भाई, आपके पास इतनी टर्म तो लेफ्ट साइड के अंदर इस फिफ्थ रिलेशन के अंदर है, इसके अंदर कमी है तो क्या है कि मेरे पास 2n+1 चाहिएगा मेरे को बाद में, तो 2n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले देखो, ये इक्वल किसके था, n Pn-1x लिखा था मैंने, बता था एन एक्स पी एन एक्स, ये था आपका फिफ्थ रिलेशन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप पहले क्या करो, इस रिलेशन को, क्योंकि देखो इसके अंदर ये बनाना है, तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो आप 2n+1 से। पहले मल्टीप्लाइंग टू, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बोथ साइड्स बाय 2n+1, दोनों साइड इसको 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड में 2n+1 1 - x² Pn-1 आएगा, राइट साइड में 2n+1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी 2n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगी Pn-1 वाली, और ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी 2n+1 के साथ। इस इक्वेशन का नाम, नया एक नई इक्वेशन नाम दे दी थ्री। ठीक है जी, अब जो आपकी इक्वेशन वन है वो कहता है कि उसको मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो एन से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर टर्म कौन कौन सी नजर आ रही है, Pn-1 Pn-1 Pn+1, इन रिलेशन में आपके पास कौन सी है, Pn+1 भी है Pn-1 भी है, यहाँ Pn है तो इसका मतलब Pn-x कैंसिल होना चाहिए। ठीक बात है, इसको देखते हुए ये बनाया गया है। फिर Pn कैंसिल होनी चाहिए टर्म, Pn कैंसिल होनी चाहिए, तो इसको ये ले तो लिया, ये आ गया। ठीक बात है, सुनो भाई ध्यान से, हमने दो रिलेशन लिए थे फर्स्ट और फिफ्थ। जो फिफ्थ था कुछ यहाँ से एक इंट के तौर पे हमने 2n+1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थ्री बना दी। अब आप देख सकते हैं जो आपने प्रूव करना था रिजल्ट, उसमें पी एन नहीं है,
उसमें पी एन एक्स की टर्म नहीं है। इसका मीनिंग पी एन एक्स तो इनके अंदर है, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, पी एन एक्स आपको नजर आ रहा है, वही रहा, ये एलिमिनेट होना चाहिए। आप देखो ये एलिमिनेट कब होगा, इतनी टर्म तो आपको दिखाई दे रही है, बन रही है कि टू एन प्लस वन एक्स, टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स है। एन और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इन दोनों को क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। तो आप क्या करो, पहले इक्वेशन वन को एन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो उसको थ्री में। तो लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय एन, एक नई इक्वेशन बनेगी, फोर इक्वेशन नाम रख देंगे उसका। तो ये क्या बना, एन से मल्टीप्लाई करके एन इंटू एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स, वो क्या बनेगा एन स्क्वेयर पी एन माइनस वन एक्स, और ये क्या बनेगा टू एन प्लस वन, इसको एन को आगे लिख देता हूँ, एक्स पी एन एक्स, ये इक्वेशन फोर आ गई। अब थ्री और फोर को ऐड करना है आपने, एडिंग थ्री एंड फोर, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में कट जाएगा ना, फिर ये टर्म कट जाएगी ना पी एन एक्स वाली, जो बचेगी बाद में रेंज आप कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा बस इसके अंदर। ये करके दिखाऊं, देखो क्या बचेगा, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ अब तुम्हें, इसको इरेज करके, क्योंकि फिर आगे पीछे लिखोगे दोबारा इक्वेशन फिर लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। ऐड करना थ्री और फोर को, बताओ मेरे को, बताओ भाई जल्दी। तो ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये लिख देता हूँ पहले, टू एन प्लस वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, थ्री वाले लिख रहा हूँ पहले, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, इसमें लेफ्ट साइड ये है, इसमें दो टर्म है, एन इंटू एन प्लस वन पी एन प्लस वन और प्लस एन स्क्वेयर पी एन माइनस वन। उधर क्या टर्म बची है, उधर ये टर्म बची है केवल एक, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो बताओ क्या आएगा। यह आएगा टू एन स्क्वेयर पी एन माइनस वन एक्स प्लस एन पी एन माइनस वन एक्स, ठीक है, ये टर्म आएगी। अब देखो इसको तो लेफ्ट में रखना है, टू एन प्लस वन वन माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश वाले को, इन दोनों टर्म को उधर ले गए, तो ये टर्म उधर जाके माइनस होगी, इसमें से माइनस होगी तो बताओ कितना बचेगा, इसमें एन स्क्वेयर पी एन माइनस वन एक्स बचेगा ना, क्योंकि वो टू टाइम्स है, प्लस एन पी एन माइनस वन एक्स, ये वाला, ये टर्म बची, और ये टर्म उधर ले गए तो ये क्या बनेगा, एन इंटू माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस ऑफ एन इंटू एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स। कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन निकाल लो, एन भी कॉमन आएगा पी एन माइनस वन भी आएगा, तो एन प्लस वन बच जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा एन इंटू एन प्लस वन पी एन माइनस वन एक्स, वो बनेगा एन इंटू एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स, फिर इन दोनों में क्या कॉमन ले लेना एन इंटू एन प्लस वन, तो ये रिजल्ट बन जाएगा जो इसने प्रूव करने के लिए आपसे पूछा। देखो ये वाला राइट साइड देखो, लिए ही आएगा जो यहां से आपका बनेगा कॉमन आने के बाद, ठीक है क्या, बोलो आया सुनने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एग्जाम्पल थर्ड है, इजी है, पी एन एक्स इक्वल टू प्रूव करना है, इसमें पी एन डैश पी एन प्लस वन डैश पी एन माइनस वन डैश, तो एक रिकरेंस रिलेशन उठाया उसने, टू एन प्लस वन पी एन एक्स वाला और एक एन प्लस वन थर्ड और फोर्थ वाले दिए हैं, फिर उसने इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब जो कैंसिल करना है वो आपने एंड के तौर पे रखना है इसमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज के भी ट्राई करने हैं आपने,
एक एग्जाम्पल आपके लिए मैंने छोड़ दिया, थर्ड वाला 2 दिन लाइन में कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो मैं इसमें आपको फर्स्ट वाला रिकरेंस रिलेशन प्रूव करके दिखाता हूँ, ये रिलेशन प्रूव करके दिखाएंगे आपको। कौन सा रिकरेंस रिलेशन? फर्स्ट वाला एन प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन इक्वल टू टू एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स, इसको प्रूव करना आपने। देखो तो यहाँ पे यूज करेंगे जनरेटिंग फंक्शन को, एज बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, पीछे 3.1 से उठाया है जनरेटिंग फंक्शन, प्रूव नहीं करवा था उसको मैंने। ये है जनरेटिंग फंक्शन, इसको याद करो बार बार, एक रोड्रिज फॉर्मूला और एक ये दो यूज होते हैं बार बार। ये समीशन की फॉर्म में इक्वल होता है इसके, ठीक है। ये है आपके पास जनरेटिंग फंक्शन। अब इसके अंदर देखो हम इसको क्या करेंगे, इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो इसको लेफ्ट साइड क्या आएगी, पावर रूल लगेगा, तो 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर -3/2। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 का 0, 2 xt का -2 x, टी स्क्वायर का 2t आएगा। राइट साइड में टी रेज टू पावर एन का आएगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, ठीक है। ये बढ़िया सिंप्लीफाई करो, -1/2, 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर -3/2। इस -3/2 को मैंने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया पावर में, देखो कैसे कर दिया, इसकी -1/2 पावर अलग कर दी और इसकी पावर मैंने -1 अलग कर दी, और इसमें -2 कॉमन ले लिया, x-t बचा। राइट साइड सेम वही रखनी है जो भी है, यहाँ -2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लेफ्ट में, 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -1/2, और वो साथ में x-t है, ये जो नेगेटिव पावर थी इसको मैंने डिवाइड में कर दिया, 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वेयर को। राइट साइड n t रेज टू पावर n p n x सेम वही है, n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, जो इसमें लेफ्ट में ये डिवाइड वाली टर्म है इसको राइट में ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, दिस इंप्लाइज x-t इनटू 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वायर, और समीशन था n t रेज टू पावर n-1 p n x। अब इसमें वापस मैंने उसी रिलेशन को फिर यूज कर दिया, रिकरेंस रिलेशन को, टी रेज टू फर्स्ट वाला जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना वही, ये इक्वल इसके होता है समेशन के फॉर्म में, 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वायर एन टी रेज टू पावर एन पी एन माइनस वन सॉरी पी एन एक्स था नहीं, पी एन था, पी एन एक्स। क्या किया हमने, जनरेटिंग फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया, सिंपलीफाई किया है, और कुछ भी नहीं, जो नेगेटिव पावर -3/2 थी -1/2 -1 में ब्रेक कर दी, नेगेटिव नीचे ले गए फिर वो उधर ले गए मल्टीप्लाई में, फिर वापस इसमें जनरेटिंग फंक्शन वाला रिजल्ट फिर लग गया, इसको वापस समीशन के फॉर्म में लिख दिया। अब समीशन को मैं ओपन करूंगा, मैं x-t बताओ, n को पहले 0 रखोगे तो क्या देगा, n को 0 रख दिया, फिर समीशन का मतलब ऐड करते जाना है, 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, 3 रख दिया, इस टाइप से चले, फिर मैंने एन माइनस वन रख दिया, फिर मैंने एन रख दिया इसके अंदर, फिर एन प्लस वन पुट कर दिया,
अप टू इनफाइनाइट टर्म तक ये चलती चली जाएगी, ये पुट कर दी है हमने इसके अंदर। ऐसे ही मैं राइट साइड में जाऊंगा, 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर, वो समीशन ओपन किया, एन जीरो रखेंगे सबसे पहले तो ये जीरो हो जाएगी, फिर मैं वन रख रहा हूँ, वन रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगी पावर एन वन, फिर टू रख दो, टू रखो पी टू एक्स, फिर इसमें थ्री पुट करो, फोर पुट करो, ऐसे करते करते इसमें आपने क्या पुट करना है, एन माइनस टू भी पुट करना है, पहले एन माइनस टू पुट करो, एन माइनस टू क्या पुट किया आपने, एन माइनस वन पुट करो, सॉरी पहले एन माइनस वन, एन माइनस वन पुट करो, एन माइनस वन पुट करना है, एन की जगह ये एन माइनस वन हो गया, ये एन माइनस टू हो गया, ये एन माइनस वन हो गया, एन माइनस वन के बाद क्या आता है, एन, एन पुट करो, एन के बाद क्या आता है, एन प्लस वन पुट करो, एन प्लस वन टी रेज टू पावर एन पी एन प्लस वन एक्स, फिर एन प्लस टू पुट कर दो, इस टाइप से चलती चली जाएंगे क्रम। ये लिखनी बहुत जरूरी है, ये जो बीच वाली मैंने लिखी, इससे फायदा क्या है, मैं अब क्या करूंगा, दोनों साइड कंपेयर करूंगा, टी रेज टू पावर एन का कोफिशियंट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स या कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ टी रेज टू पावर एन ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन का नाम स्टार दे दो, तो बताओ ये एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा कि जिससे टी रेज टू पावर एन की टर्म बने, तो ये एक्स मल्टीप्लाई होगा, ढूंढो इससे, यही बात है ना, कि जब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये एक्स क्योंकि मल्टीप्लाई है भाई, एक्स सबसे होगा, टीवी सभी होगा, तो मैं कह रहा हूं कि एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा वो, एक्स मल्टीप्लाई हो गए एक्स टी रेज टू पावर एन पी एन एक्स बना देगा, तो यहां बताओ टी रेज टू पावर एन का कोफिशियंट क्या बनया, एक्स पी एन एक्स बनया। अब ये टी किससे मल्टीप्लाई होगा कि जिससे मैं टी रेज टू पावर एन का कोफिशियंट निकाल पाऊं, वो इससे होगा, करो मल्टीप्लाई, माइनस टी की मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या आएगा, माइनस टी की पावर एन, माइनस टी की पावर एन और साथ में क्या आएगा पी एन माइनस वन एक्स, तो कोफिशियंट क्या आया टी रेज टू पावर एन का, माइनस पी एन माइनस वन एक्स आया, ये कंप्लीट हो गए, लेफ्ट में दो ही कोफिशियंट आएंगे टी रेज टू पावर एन के, लेकिन राइट में तीन कोफिशियंट आएंगे, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा और एक इससे, तो बताओ ये वन किससे मल्टीप्लाई होगा कि टी रेज टू पावर एन का कोफिशियंट आए इससे, कि वन को मल्टीप्लाई इससे कर दो तो टी रेज टू पावर एन का कोफिशियंट क्या मिलेगा आपको, एन प्लस वन पी एन प्लस वन, समझ में आ रहा है, एन प्लस वन पी एन प्लस वन, यही बात समझने वाले इससे। अब ये बताओ जो बीच वाली टर्म है 2xt वाली, ये किससे मल्टीप्लाई होगी कि t रेज टू पावर n का कोफिशिएंट दे, वो इसके साथ होगा, तो बताओ इसको मल्टीप्लाई इससे करो, लिखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस टू एन एक्स टी रेज टू पावर n और पी एन एक्स, ऐसे आएगा ना, तो t रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या बनया, माइनस टू एन एक्स पी एन एक्स तो बनया। अब मेरे को ये बताओ ये किससे मल्टीप्लाई करूं, टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे जो ब्लू किया मैंने, टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो तो टी रेज टू पावर एन का कोफिशियंट मिलेगा क्या, लिखें वो आपका कोफिशियंट आएगा इसका प्लस एन माइनस वन पी एन माइनस वन एक्स, ऐसे ये आएगा, समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे करते हैं इसको, जो प्रूव करना था उस रिजल्ट पे एक बार दोबारा ध्यान दे लेते हैं, आपने जो रिजल्ट प्रूव करना था वो ये था कि आपके पास पी एन प्लस वन पी एन माइनस वन की तो दो टर्म लेफ्ट में होनी चाहिए और पी एन वाली राइट में होनी चाहिए, तो ये एडजस्ट आपने करनी पड़ेगी यहां से, ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसको तो एज इट इज रखना, इसको भी एज इट इज रखना है, इसको ओपन कर दो,
एन पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन, करो इसको लिखो यहां, यहां लिखो इसको एन पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन, लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और कुछ नहीं किया। इसको मैं हटा देता हूं अभी यहां से, इस टर्म को, इस टर्म की जगह वो आ गई। अब बताओ दोनों साइड से एक टर्म कैंसिल नजर आ रही होगी आपको, कैंसिल हो रही है ना, ये टर्म कैंसिल होगी इससे, क्योंकि साइन सेम है दोनों साइड, पी एन माइनस वन पी एन माइनस वन। अब अरेंज कर लो, अरेंज करो, इसको तो उधर रखना है, इसको भी इधर ही रखना है, इस टर्म को उधर लेके जाना है, एन पी एन माइनस वन। ठीक बात है, बिल्कुल सही है, ये टर्म और ये टर्म तो उधर रख लो, इस टर्म को उधर ले जाओ। तो लिखो इसको, दोबारा लिख देता हूं, क्या बचा था आपके पास, एक्स पी एन एक्स, एक्स पी एन एक्स बचा था लेफ्ट में, राइट में बचा था एन प्लस वन पी एन प्लस वन, प्लस एन पी एन माइनस वन, प्लस एन पी एन माइनस वन, ये लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, माइनस टू एन एक्स पी एन एक्स ये बचे हैं, माइनस टू एन एक्स पी एन एक्स ये बचे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस टर्म को उधर लेके जाना है बस, एक्स पी एन एक्स ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, टू एन एक्स पी एन एक्स, ये एन प्लस वन पी एन प्लस वन, प्लस एन पी एन माइनस वन। अटेंडेंस भेज दो भाई अपनी, तो इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स पी एन एक्स, क्या बचेगा, वन प्लस टू एन, राइट साइड एज इट इज रखनी है, फिर इनको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, क्या आएगा, एन प्लस वन पी एन प्लस वन, प्लस एन पी एन माइनस वन, राइट साइड में हो जाएगा, इसको लिख देना टू एन प्लस वन, पहले लिख देना, फिर एक्स लिख देना, और फिर पी एन एक्स लिख देना। ये हमने प्रूव कर दिया, जो रिजल्ट आपने फर्स्ट वाला बनाना था, जो रिकरेंस रिलेशन बनाना था, ये देखो। तो हमने क्या किया इसमें, जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प ली, उसको टेक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई किया, और टेक रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट छांटा है, तब आपको ये रिलेशन मिल जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। बाकी बचे हुए रिजल्ट आपने प्रूव करने हैं, आज का आपका काम ये रहेगा कि जो ये पांच रिलेशन है ये प्रूव करने हैं, और तीन एग्जाम्पल हैं आपके जो मैंने दो करवा दिए, थर्ड तो आपका इजी था, ये है आपका होमवर्क, और जो आपकी असाइनमेंट है यही है आज की, कल करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट, हो जाएगी 3.2 सैटरडे को, मंडे से 3.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप संडे को इन इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज जरूर करें, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट बचा होगा फिर वो बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे जनरेटिंग फंक्शन का प्रूफ बचा हुआ, इसका प्रूफ, और एक रोड्रिज फॉर्मूले का प्रूफ बचा है, उसका डेरिवेशन भी बचा हुआ, तीन चार चीजें बची हुई है उसके अंदर 3.1 में, करेंगे उनको भी टाइम लगेगा बीच में, तब तो अटेंडेंस भेज दी सभी ने, तो रहे तो नहीं गया, हाँ जी, ठीक है, एक बार मैं अटेंडेंस चेक कर लेता हूँ, अटेंडेंस आ गई क्या सभी की, जी ठीक है, टाइम भी अप होने वाला है इसके अंदर।